टेस्ट क्रिकेट। क्रिकेट खेल का एक ऐसा प्रारूप जहां पर सही मायनों में खिलाड़ी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की दृढ़ता का प्रदर्शन समूचे विश्व के सामने होता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे टफ टेस्ट क्रिकेट अपने साथ लाता है खिलाड़ियों के हौसलों को चेक करने वाला अल्टीमेट टेस्ट, और इस टेस्ट में जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहता है सबसे बेस्ट उसी के सर सजती है अल्टीमेट क्रिकेट प्लेयर होने की ख्याति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सालों तक मुख्य भूमिका में गतिमान रहे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मुरली विजय की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे 12वीं कक्षा में 40% मार्क लाने के बाद मुरली विजय को होटल में काम करना पड़ा। हम जानेंगे आखिर क्यों मुरली विजय के पिता उन्हें चपरासी बनने लायक तक भी नहीं समझते थे, और हम जानेंगे आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साधु की उपाधि प्राप्त मुरली विजय ने साथी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक की पत्नी से शादी रचा ली। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मुरली विजय का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे कस्बे तंबारम में हुआ। अपने बचपन के दौर से ही मुरली विजय पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया करते थे। स्पोर्ट्स का भूत मुरली विजय के सर पर ऐसा सवार था कि वो अपने एग्जाम्स भी खेल के पीछे छोड़ दिया करते थे। अपनी प्राइमरी स्कूल के अंत में मुरली विजय को क्रिकेट खेल का चस्का लगा, और फिर क्रिकेट के पीछे मुरली विजय की दीवानगी इतनी बढ़ गई कि वो पूरे पूरे दिन क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए बिता दिया करते थे। मुरली विजय के बचपन में ही उनके अंदर से भी बल्लेबाजी की बेहतरीन प्रतिभा क्रिकेट मैदान पर वाहवाही बटोरने लगी थी, और 12वीं कक्षा तक आते आते मुरली विजय स्थानीय स्तरों पर अपने आप को एक शानदार बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर चुके थे। क्रिकेट के प्रति ज्यादा ध्यान के चलते मुरली विजय को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ गई। 12वीं कक्षा में मुरली विजय के महज 40% मार्क्स ही आए, जिसके चलते उन्हें पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुरली विजय के पिता ने गुस्से में उनसे कह दिया था कि तुम अपने जीवन में कभी चपरासी भी नहीं बन सकते। पिता की इस बात से मुरली विजय इतने आहत हुए कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद मुरली विजय एक स्थानीय होटल में ही स्नूकर क्लब में काम करने लगे। यहाँ उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई। स्नूकर क्लब में काम करके कमाए अपने पैसों से मुरली विजय ने अपने मन पसंद विवेकानंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ मुरली विजय क्रिकेट खेल में भी लगातार सफलता पाते चले गए। अपने क्रिकेट खेल के चलते मुरली विजय 2003 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने चेन्नई सेंट्रल जोन के एल्बर पेट क्लब की ओर से क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसके बाद ही सीके नायडू ट्रॉफी में मुरली विजय का सिलेक्शन तमिलनाडु अंडर 22 के लिए हो गया। सीके नायडू ट्रॉफी में तमिलनाडु की ओर से एक ओपनर के तौर पर खेलते हुए मुरली विजय का बैटिंग औसत 6 मैचों में 26.45 का रहा। एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मुरली विजय के शानदार टेम्परामेंट को देखते हुए तमिलनाडु टीम ने साल 2006 की रणजी वनडे ट्रॉफी में मुरली विजय को जगह दे दी, और इस पूरे सीजन में बल्लेबाजी का कमाल प्रदर्शन दिखाते हुए मुरली विजय मनोज तिवारी और रोबिन उथप्पा के बाद तीसरे हाईएस्ट रन गेटर रहे। इसके बाद मुरली विजय का बल्ला 2007-08 रणजी ट्रॉफी, 2007-08 दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी जमकर बोला। साल 2008 में मुरली विजय का सिलेक्शन न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए से 4 दिवसीय मैचों के लिए हो गया। इंडिया ए से खेलते हुए मुरली विजय की शानदार बल्लेबाजी जारी रही, और यहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में 45 और दूसरे इनिंग्स में 98 रन ठोक कर न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ किए गए शानदार प्रदर्शन के बदौलत मुरली विजय को भारतीय टेस्ट कैप पहनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर गौतम गंभीर की जगह मुरली विजय को टीम में चयनित कर लिया गया, और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में मुरली विजय ने वीरेंद्र सहवाग के साथ साझेदारी करते हुए पहली इनिंग्स में अपनी सूझबूझ के साथ 33 और 41 रनों का आंकड़ा अपनी टीम के नाम जोड़ डाला। मुरली विजय की नियंत्रित और संतुलित बल्लेबाजी को देखते हुए कमेंट्री पर बैठे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर भी अपने आप को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए, और उन्होंने मुरली विजय को सबसे संतुलित भारतीय बल्लेबाज बता डाला। मुरली विजय की नियंत्रित पारी को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने भी इंग्लैंड के खिलाफ मुरली विजय को वनडे टीम में जगह दे डाली, पर सचिन तेंदुलकर की वापसी के चलते मुरली विजय यहां खेले गए 3 मैचों में से एक भी मैच में अपना नाम प्लेइंग 11 में शुमार नहीं कर पाए। इस दौरे के बाद मुंबई में खेले जाने वाले श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में गंभीर की जगह फिर से मुरली विजय को अंतिम 11 में शामिल कर लिया गया, और इस मैच में एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुरली विजय ने 87 रन अपने नाम के आगे जोड़ डाले। इसके बाद बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम में वीवीएस के चोटिल होने के बाद फिर से मुरली विजय को भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, और यहां भी 5 नंबर
नंबर पर खेलते हुए मुरली विजय का जबरदस्त बैटिंग फ्लो जारी रहा। बांग्लादेश के बाद मुरली विजय का शानदार और संतुलित प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे टफ कंपटीटर्स के सामने भी लयबद्ध तरीके से जारी रहा। इस दौरान मुरली विजय ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 139 रनों का स्कोर भी अपने नाम किया था। टेस्ट क्रिकेट में लगातार मिल रही सफलता ने मुरली विजय के लिए भारतीय ओडीआई टीम के दरवाजे भी खोल दिए और अपने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों पर 25 रन ठोककर मुरली विजय न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे जाने वाली भारतीय एक दिवसीय टीम में अपनी जगह फिक्स कर बैठे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सफर में चलते हुए मुरली विजय को कुल 61 टेस्ट और 17 एक दिवसीय मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व का गौरव हासिल हुआ। वहीं इस दौरान मुरली विजय के टेस्ट क्रिकेट में कुल रन 3982 रहे और वनडे इंटरनेशनल्स में मुरली विजय के नाम महज 339 रन ही रहे। वनडे क्रिकेट में जहां मुरली विजय के नाम एक भी शतक नहीं शामिल है, वहीं वह अपने पूरे करियर में कभी भी भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। पर बावजूद इसके मुरली विजय के टेस्ट करियर में ऐसे कई मुकाम उनके नाम के आगे दर्ज हुए जिनसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट की गरिमा हमेशा ही क्रिकेट इतिहास में गौरवान्वित होती रहेगी। खास तौर पर अगर हम बात करें साल 2013 के मोहाली टेस्ट की, जहां मुरली विजय ने डेब्यूटेंट शिखर धवन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 289 रन की ओपनिंग साझेदारी बिना किसी विकेट गवाए हासिल कर डाली थी। इस दौरान अकेले मुरली विजय के बल्ले से 153 रन निकले थे। मुरली विजय और शिखर धवन की खेली गई यह ओपनिंग पारी आज भी भारतीय टेस्ट इतिहास में अपना एक स्वर्णिम स्थान घेरे हुए है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा मुरली विजय समय समय पर आईपीएल टीमों के लिए खेलते हुए भी अपनी प्रतिभा का जौहर भारतीय क्रिकेट मैदानों पर बिखेरते नजर आते रहे हैं। बात करें अगर मुरली विजय की आईपीएल टीमों की, तो मुरली विजय साल 2009 से 2013 तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे। वहीं साल 2014 में दिल्ली डेयर डेविल से जुड़ने के बाद मुरली विजय 2015 से 2017 तक किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे और 2018 के बाद से ही मुरली विजय अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी सीएसके के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब अगर बात करें आईपीएल में मुरली विजय के स्टार्स की, तो मुरली विजय ने कुल 106 आईपीएल मैचों में 25 की औसत से 2619 रन अपने नाम के आगे दर्ज किए। आईपीएल के सीजन 5 के दौरान ही मुरली विजय की नजदीकियां दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा से बढ़ी थी। नजदीकियां अफेयर में तब्दील हुई और बाद में मुरली विजय और निकिता ने शादी रचा ली। अपने शांत स्वभाव और संतुलित व्यक्तित्व के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साधु के उपनाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी मुरली विजय साथी खिलाड़ी की पत्नी से शादी रचाने के बाद मीडिया के बीच गहरे विवादों में घिरते हुए नजर आए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक द्वारा इस मामले को बेहद ही आसानी से सुलझा दिया गया था। लगभग 10 साल चले मुरली विजय के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में उनके द्वारा भारतीय क्रिकेट की कई नामी उपलब्धियां हासिल की गई। वर्तमान समय में मुरली विजय ने अपने आप को क्रिकेट एक्शन से दूर रखा हुआ है, जिससे उनके रिटायरमेंट के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रिटायरमेंट के लिए मुरली विजय का फैसला जो भी हो, नारा टीवी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो दोस्तों, मुरली विजय की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।